उज्जैन जिले में गोवंश के अवैध रूप से परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उज्जैन के निनोरा स्थित टोल नाके पर गायों से भरे पिकअप वाहन को पुलिस ने पकड़कर वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार उज्जैन के निनोरा स्थित टोल नाके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पिकअप वाहनों को गोवंश ले जाते हुए रोक गया। वाहन चालक से जानकारी लेने पर वह संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। तत्काल कार्यकर्ताओं ने नानाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गोवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वाले वाहन चालक पर विभिन्न धाराओं में कायमी की। पुलिस के अनुसार वाहन में क्षमता से अधिक गायों को खचाखच भरा के ले गया था। वाहन चालक के पास गायों के परिवहन से संबंधित कागजात भी नहीं थे। पुलिस के अनुसार गायों को उज्जैन से देपालपुर या इंदौर की ओर ले जाया जा रहा था। उज्जैन से अरविंद देवदरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट। तीन गाय तीन बछड़े शिवसेना के कुछ लोग हैं, इनने गाड़ी रोकी है और उसमें टूट टूट के भरे गए थे। तीन मतलब छः जानवर है, जबकि जगह नहीं है उसमें, दो जानवर ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो लेके आए हैं यहाँ, पकड़ के लाए थे खाने पर। उस पर 11D को यहाँ से पकड़ाए हैं, जो कि वो तस्करी करते हैं। वो यहाँ सर लेकर जा रहे थे, उनके पास जो रसीद पाई जाती है नगर पंचायत की, ग्राम पंचायत की, एक गोवंश के लिए पंचायत से रसीद बनती है, जो कि यहाँ से वहाँ जाते हैं, अगर दूसरे स्थान पे जाते हैं, अगर लीगल रूप से जाते हैं तो उसकी रसीद बनती है। इनके पास रसीद जो थी वो 3 दिन पुरानी थी। उसके बाद जब कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़ी गई तो उनके साथ में अभद्रता पूर्वक बात की गई।